उत्तराखंड में अगले साल के शुरू में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में बड़ी बगावत हो गई है। पार्टी के दो दर्जन से अधिक विधायकों ने सीएम रावत के खिलाफ बगावत कर दी है, जिसके बाद आनन फानन में पार्टी ने सीएम रावत को दिल्ली तलब किया है और माना जा रहा है कि पार्टी रावत को सीएम पद से हटा सकती है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी के दो दर्जन से अधिक विधायक, जिसमें उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं, सभी दो दर्जन से अधिक विधायकों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है, जिसके बाद आनन फानन में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दखल देना पड़ा है। सभी बागी विधायक और मंत्री इस समय दिल्ली में हैं, जिसके बाद बीजेपी आलाकमान ने सीएम रावत को दिल्ली तलब किया है, जिसे लेकर अब उत्तराखंड से दिल्ली तक सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह किसी और को सीएम बना सकती है। पार्टी के आलाकमान ने इसे लेकर कवायद शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व रावत की जगह अनिल बलूनी को उत्तराखंड का नया सीएम नियुक्त कर सकता है। अनिल बलूनी को पीएम मोदी के सबसे करीबी नेताओं में माना जाता है, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी अच्छी नजदीकी है, जिसे लेकर उत्तराखंड के नए सीएम की रेस में बलूनी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। फिलहाल अनिल बलूनी राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन बलूनी के अलावा शीर्ष नेतृत्व और भी नाम पर विचार कर रहा है, जिसमें चोपटा खाल से बीजेपी के विधायक सतपाल महाराज, श्रीनगर से विधायक धन सिंह रावत और अजय भट्ट के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कई मंत्रियों और विधायकों के मोर्चा खोलने के बाद बीजेपी आलाकमान ने शनिवार को दो केंद्रीय नेताओं को पर्यवेक्षण बनाकर देहरादून भेजा था। देहरादून पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह और उत्तराखंड के प्रभारी महासचिव दुष्यंत गौतम ने कोर कमेटी के सदस्यों की राय ली, साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ भी लंबी चर्चा की और दिल्ली लौट आए। वहीं अब मुख्यमंत्री खुद भी सोमवार को दिल्ली तलब किए गए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।